ये हमारा मल्टी फंक्शन ड्रिलिंग मिलिंग एंड टैपिंग मशीन है। इसका कैपेसिटी 40 mm का है। इसमें 6 इंच का अप डाउन ट्रैवलिंग एंड 10 इंच का सेंटर मिल जाएगा। इसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल है। आइए पहले इसका हम वर्किंग देख लेते हैं। पहले हम टैपिंग पैनल का वर्किंग देखते हैं। इसमें ये स्टेप वन पे यह ऑन ऑफ मैकेनिज्म दिया हुआ है, ग्रीन बटन से ऑन और रेड बटन से ऑफ होगा। स्टेप टू की पोजीशन में यहाँ पे हमने फुट ऑपरेटेड मैकेनिज्म दिया हुआ है। जितनी बार आप फुट प्रेस करके रखोगे उतनी देर मशीन चालू रहेगा। ये स्पेशल पर्पस मशीन में ये सब यूज होता है। स्टेप टू है वो स्पेशल पर्पस है। इसमें जितनी देर आप प्रेस करते रहोगे उतनी देर ही मशीन चालू रहेगा। और स्टेप थ्री है वो टेपिंग के लिए यूज होता है, ऑटो रिवर्स के लिए। इसमें आप जैसे ही नीचे हैंडल उतारोगे अपने आप मशीन स्टार्ट हो जाएगा और जितनी डेप्थ आपने सेट की है वो डेप्थ पे पहुंच के मशीन ऑटो रोटेट हो जाएगा। इसमें आपको बार बार रिवर्स फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। जितनी डेप्थ आप सेट करके रखोगे वही डेप्थ पे आपके मशीन आपका ऑटो रिवर्स हो जाएगा। और जैसे ही आप अपना हैंडल अपने ऊपर पोजीशन पे लेके आओगे अपने आप मशीन बंद हो जाएगा। तो ये स्टेप थ्री पे आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, रिवर्स फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सेट कर दिया डेप्थ तो ऑटो रिवर्स हो जाएगा। अभी हमारा डीलिंग ऑपरेशन हो गया है, अब हम यहाँ पे टैपिंग ऑपरेशन करते हैं। अभी ये टैपिंग टूल लगाया है। इसमें अभी हमने 5 mm का डेप सेट किया है, तो जैसे ही 5 mm का डेप तो होता है तो अपने आप ऑटो रिवर्स हो जाएगा मशीन। अभी ये ऑटो रिवर्स हो गया और ये टैपिंग ऑपरेशन पूरा हो गया। इस पर आप अपने हिसाब से जितना भी डेप्थ करना है वो सेट कर सकते हो। ये पूरा फ्लेक्सिबल मशीन है। ये 2-in-1 मशीन भी है। अभी स्क्वायर प्लेट हटा के हम इसमें मिलिंग स्लाइड कीवे के लिए भी लगा सकते हैं। ये रैक एंड पिनियन से अप डाउन पूरा मैकेनिज्म होगा। अभी हम मिलिंग ऑपरेशन कीवे ऑपरेशन करते हैं। इसमें पहले हमें एक डेप्थ सेट करके मशीन को स्पिंडल को लॉक करना है, अप डाउन नहीं मैकेनिज्म करना है। एक बार आपने डेप्थ सेट किया उसके बाद आपको कीवे निकलना है। अभी ये कीवे के लिए फीडिंग दे रहे हैं। जितना आपको कीवे, अभी हम 1 इंच का कीवे करके देखते हैं। जितना आपको कीवे करना है वो एक स्पीड पे एक ही पोजिशन पे करना है। उसके बाद डेप्थ और बढ़ा के वापस वही फीडिंग रिवर्स पोजिशन करना है। अभी एक स्टेप हो गया, अभी दूसरा और फीड हम डेप्थ में लेकर दे जा रहे हैं। अभी और भी एक को मैकेनिज्म करते हैं। अभी थोड़ा डेप्थ और बढ़ाया है और वापस वही सेम रिवर्स फीडिंग में वो कीवे का पूरा डेप्थ निकालते हैं। इसमें आप जॉब के हिसाब से आप वाटर कूलिंग भी यूज कर सकते हो। अभी ये पूरा कीवे हो चुका है। इसमें आप जितनी डेप्थ सेट करके रखोगे उस हिसाब से एक्यूरेसी में कीवे मिलिंग का पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। ये मल्टी फंक्शन मशीन है हमारा। पहले ड्रिलिंग देखा, बाद में टेपिंग देखा, अब ये कीवे मिलिंग हो गया। इसमें आप अलग अलग प्रकार के कोई भी जॉब है वो कर सकते हो। ये हमारा 40 mm का मशीन है। इसमें हमने 8 स्पीड दी हुई है। पहली 4 स्पीड है वो डायरेक्ट पुली से मिलेगी। 1, 2, 3 और 4 स्टेप की पुली हमने दी हुई है। और बाकी के 4 स्पीड है स्लो स्पीड, वो आप डबल के बैक गियर से यूज कर सकते हो। अभी हमने 4 स्पीड का वो देखा डेमो। अभी हम गियर में मशीन डाल रहे हैं, तो उसके लिए ये पिन निकाल के आपको जो डबल गियर है उसको आउट सेंट्री से आगे लॉक में ले जाना है। और गियर एंगेज होने के बाद आप स्लो स्पीड पे काम कर सकते हो। अभी ये मशीन स्लो स्पीड पे चल रहा है। और अभी हाई स्पीड पे चलाने के लिए वैसे ही गियर को एंगेज डिसएंगेज करके आप जो कैप है पुली का वो लगा के आप डायरेक्ट ड्रिवन में आप हाई स्पीड पे काम कर सकते हो। ये अभी पूरा हाई स्पीड हो गया है मशीन। ये पूरा हमारा 40 mm का मल्टी फंक्शन ड्रिलिंग मिलिंग एंड टैपिंग मशीन का डेमो हो गया। इसमें हमारे पास 6 इंच ट्रैवलिंग, 8 इंच ट्रैवलिंग, 10 इंच ट्रैवलिंग, 12 इंच ट्रैवलिंग और वैसे ही सेंटर में भी 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच सेंटर के सब प्रकार के ड्रिल मशीन मिल जाएंगे।
इसमें आप अलग से कोई भी मिलिंग स्लाइड है, टैपिंग पैनल है, वो भी आप हमारे से परचेज कर सकते हो। आपके पास पुराना मशीन है तो उसमें भी हमारा ये सब मैकेनिज्म लग जाएगा।